नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सिंघम मनु महाराज के नाम से ही अपराधियों की रूह कांप जाती है, क्योंकि मनु महाराज ने अपने सेवा काल में कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसके कारण पुलिस विभाग की खूब वाहवाही हुई है, वहीं अपराधियों की खूब धुलाई हुई है। हालांकि अब बिहार के विभिन्न जिलों की बागडोर संभाल चुके सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस मनु महाराज बिहार से बाहर अपनी सेवा देने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सारण क्षेत्र के डीआईजी और 2005 बैच के आईपीएस मनु महाराज को जल्द ही 5 सालों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मनु महाराज को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदस्थापित किया जा रहा है। इस बाबत गृह विभाग ने भी अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि गृह विभाग ने इस नए निर्णय के साथ 5 सालों तक मनु महाराज अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवा देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनु महाराज मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी में बीटेक में स्नातक किया था, जिसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पर्यावरण विषय पर मास्टर्स की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। साथ ही साल 2006 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में अपने करियर की शुरुआत की। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में उनके नाम के साथ साथ उनकी मूंछों की भी बड़ी चर्चा है। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने पटना और दूसरे जिलों में तैनात रहते हुए कई बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाया भी है। उनके अलग अंदाज से बिहार के युवा काफी ज्यादा प्रभावित है। कई युवा तो मनु महाराज के स्टाइल को देखकर ही पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो फिलहाल बिहार के सिंघम सारण के आईजी के रूप में पदस्थापित है। इससे पहले वो पटना के एसएसपी के रूप में भी काम कर चुके हैं, जिस दौरान पटना में रहने वाले मंचलों की होश ठिकाने पर थी। मनु महाराज की कार्यशैली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मंचलों और हुड़दंगियों के मन में पुलिस का डर दिखने लगा था। हालांकि अब मनु महाराज केंद्रीय स्तर पर अपनी सेवा देने वाले हैं, जिसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार की तरह ही केंद्रीय स्तर पर भी वो अपने काम के लिए जाने जाए। हालांकि मनु महाराज की यह नई पोस्टिंग रातों रात नहीं हुई है, बल्कि लंबे समय से उनके पदस्थापना की चर्चा की जा रही थी, जिस पर अब जाकर आधिकारिक मुहर लग गई है। वहीं मनु महाराज के हटने के साथ ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तैनात रविंद्र कुमार को सारण का नया डीआईजी बना दिया गया है। ज्ञात हो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारी बदले गए हैं। वहीं दूसरी सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर आए 2 अफसरों की भी तैनाती की गई। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार का तबादला निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद पर किया गया है। निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद संजय कुमार सिंह का तबादला स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव के पद पर किया गया। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक का उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के 2005 बैच के अधिकारी और छपरा के रेंज डीआईजी मनु महाराज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। उन्हें आईटीबीपी में डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।